DI टर्बो जो बोलेरो में इंजन आता है ना, ठीक है, 2500 सीसी वो इंजन डाल के पूरी तैयार हो गई है। ये 3 लाख रुपए की गाड़ी है इस टाइम, क्योंकि ये सेकंड हैंड। स्टेयरिंग व्हील जो इसका है वो आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा। अगर आप इसको डीजल इंजन में लेना चाहे डीजल में ले सकते हैं, पेट्रोल में लेना चाहे पेट्रोल में ले सकते हैं। अंदर बिल्ली की बैजिंग मिलेगी हर मीटर के अंदर, और ये बहुत पुरानी है, उससे भी पुरानी है। इसमें सीट्स वगैरह और इंजन इंस्टॉल करा के ये सब चलने की चल रही। तो फ्रेंड्स कुछ ये इनका गैरेज पेंट वर्क का, तो यहाँ पे पहले गाड़ी को ऐसे रेडी किया जाता है। आप जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जिप्सीज भी देख ली आपने, और आपको जो मैंने एक मॉडिफाइड जीप थी वो भी दिखा दी। अब हम चलते हैं विलीज की तरफ। जो ये विली आप देख रहे हैं मेरे पीछे मिलिट्री कलर में, ये विली आपको स्टेयरिंग व्हील जो इसका है वो आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा। अगर आप इसको डीजल इंजन में लेना चाहे डीजल में ले सकते हैं, पेट्रोल में लेना चाहे पेट्रोल में ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। एक बार आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा इसके अंदर सारा सिस्टम है। बैटरी भी आप देख सकते हैं, मतलब बढ़िया कंडीशन में सब लगा हुआ है और वर्किंग कंडीशन में है। और अभी इसके बैक रेयर प्रोफाइल में इसके अंदर काम हो रहा है, आपको वो भी दिखाते हैं। पहले आप साइड प्रोफाइल देख लीजिए। जो ये इसकी बिल्ली की जो ये साइड में फेंडर लाइट जो होती है, ये इसको बहुत ही बढ़िया बना देती है। बिल्ली में आपको टायर काफ़ी पतले मिलते हैं, बट आपको जो इसके अंदर टायर मिल रहे हैं आफ्टर मार्केट और बहुत ही बढ़िया है। तो ये टायर में आपको कंपनी भी बता देता हूँ इस टायर की। वैसे तो 80 टायर्स हैं, बट आपको लुक ये एम्प्टी टायर्स की ही देंगे। देख सकते हैं आप कंपोजर के कॉन्टीनेंटल के जो टायर हैं इसके अंदर, कॉन्टीनेंटल कंपनी के टायर्स इसमें डलाए गए हैं। तो कुछ ऐसी सी है इसकी साइड प्रोफाइल। इसके अंदर खोल विंडो नहीं होती जो खोल के हम इसको चेक कर सकें, तो ये जेन्युइन ऐसी ही रहेगी। तो ये कुछ ऐसी चाबी इसके अंदर इंस्टॉल की गई है, क्योंकि ये अभी चेक भी करेंगे इसको, मतलब जैसे जैसे इसके अंदर काम होता है तो इसको साथ साथ में चेक किया जाता है। और ये इसके अंदर कुछ ऑल्टो का, पुराने ऑल्टो का स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, आपको वो भी दिखा देते हैं हम एक बार। कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है इसके अंदर, और ऐसा सा इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। सब कुछ आपको इधर बिल्ली की बैजिंग मिलेगी हर मीटर के अंदर, स्पीडोमीटर हो जाए या फ्यूल मीटर हो जाए, आरपीएम मीटर, कुछ भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। और कुछ ये है इसका गियर बॉक्स जो कि 5 गियर्स के साथ आता है, और ये इसकी सीट्स हैं। देखते हैं अब इसके रेयर में क्या काम चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी रेयर प्रोफाइल में भी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी यहाँ पे गेट फिट होगा, तो ये वेल्डिंग वगैरह चल रही है और अभी गेट को फिट करने का वो पूरा प्रोसीजर चल रहा है। तो पीछे से कुछ ये ऐसी रहती है, सीट्स भी होती हैं इस पर, और भी काफ़ी ऑप्शंस है सीजेस के अंदर और ये विलीज के अंदर। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। जो विली अभी आपने वहाँ देखी वो भी पहले इसी कंडीशन में पड़ी हुई थी, उसको रिस्टोर करके वैसा बनाया गया है। तो अगर आप चाहें आप इसको इधर से लेके कहीं और से भी रिस्टोर करा सकते हैं। तो अभी तो बहुत गंदी कंडीशन में आपको लग रही होगी, आप कभी मान नहीं सकोगे कि ये तैयार होगी, बट ये रेडी होने के लिए ही है। और ये बहुत पुरानी है, उससे भी पुरानी है। उसमें सीट्स वगैरह और इंजन इंस्टॉल करा के ये सब चलने की कंडीशन में हो जाती हैं। तो चलते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं काफ़ी विलीज के भी काफ़ी ऑप्शन है, और काफ़ी लोग विलीज और सीजे को पसंद करते हैं। देख सकते हैं आप इसको विली को, क्योंकि लोहे का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि पुराना लोहा है, लेकिन वही है रिस्टोर कराने वाली बात है। और ये देख सकते हैं आप एक और विली जो कि इस रूफ के साथ आएगी, और कंडीशन इतनी गंदी नहीं है इसकी, बट ये भी रिस्टोर ही होगी जैसे दूसरी कार्स हुई हैं। तो कुछ ये ही था विली का स्टॉक, और एक ये ओपन विली आप देख सकते हैं। तो इसको भी वैसे ही आपको रिस्टोर कराना पड़ेगा जैसे आप इनको कराएंगे पुरानी पहली वाली विली के अंदर। तो फ्रेंड्स कुछ ये इनका गैरेज पेंट वर्क का, तो यहाँ पे पहले गाड़ी को ऐसे रेडी किया जाता है। आप जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये गाड़ी जैसे अभी रेडी होने के लिए टायर्स वगैरह उतार दिए जाते हैं ताकि टायर्स के ऊपर पेंट ना लगे। तो पहले ये कलर इसमें मैट कलर होता है, उसके बाद इसके ऊपर ग्लॉसी पेंट किया जाता है। और ये भी आप जिप्सी एक देख सकते हैं जो कि अलग से रूप में है। ऐसी जिप्सी आपको मैंने अभी दिखाई नहीं है जिसका हार्ड टॉप भी हो और पीछे जगह भी हो। तो आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे बूट स्पेस दी गई है, यहाँ पे रूफ स्पेस और ऐसा कुछ इंटीरियर इन फॉर पेंट वर्क है अभी ये, तो ये भी अभी इसका चल रहा है। भैया क्या काम चल रहा है अभी इसका? मैकेनिक का काम चल रहा है, तो अभी इसका मैकेनिकल काम चल रहा है, इसको भी रिस्टोर किया जाएगा। तो कुछ ऐसा ऐसा था इनका पेंट का वर्कशॉप, एक बार आपको पेंट होते भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेंट वर्क चल रहा है, पेंट कर रहे हैं इसको मिलिट्री कलर के अंदर। बाहर से अभी आप देख सकते हैं नॉर्मल और नई कंडीशन में है, बट इसको मिलिट्री कलर में ऐसे पेंट करा जा रहा है भैया के द्वारा। और काफ़ी स्टॉक है, आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा स्टॉक है इनका। तो ये भी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये जो जिप्सी आप देख रहे हैं इनके ऑनर हमारे साथ हैं जो कि संदीप भाटिया जी हैं। सर क्या हाल है आपके? तो आप हमें थोड़ा सा हुकम जी के बारे में बताइए, इनके काम के बारे में बताइए। बंदे तो बहुत जेंटल है हमें पता है, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। आपने कौन सी कार उनसे ली है, कौन सी जीप उनसे ली है? तकरीबन 12-13 साल से जुड़ा हूँ इनके साथ। तो पहले मेरे पे बोलेरो थी, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे इनका किसी ने रेफरेंस दिया था। उसके बाद से आज ये मेरी तीसरी-चौथी जिप्सी है, आप देख सकते हैं। तो हर बार मैं इन्हीं से तैयार करवाता हूँ, हर मैकेनिकल काम इन्हीं के थ्रू होता है। इसमें रबिंग चल रही है जिप्सी में, आई गेस ये भी सारा इन्हीं से काम हुआ है। डेंटिंग पेंटिंग का मैकेनिकल सारा यहीं से काम हुआ है। तो गाड़ी बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन है इनके काम। मायापुरी में काफ़ी बोला जाता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, बट हुकम जी अभी जैसे मैं नहीं, हुकम जी देखो ये है कि इनका थोड़ा जो मैकेनिकल चार्जेस वगैरह थोड़े ज़्यादा है, लेकिन काम रिजनेबल है इनका, बहुत बढ़िया करके देते हैं। तो सेटिस्फेक्शन है, एक और आप काम करवाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कहीं पे गलत जगह पे पैसा लगाया। चलो थैंक यू सर, बहुत बहुत। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया अभी विलीज का स्टॉक दिखाया, कस्टमर का आपको रिव्यू भी दिखाया हुकम जी के बारे में। तो हुकम जी आप बताइए कि ये जो विलीज हैं वहाँ पे पीछे मैंने काफ़ी विलीज देखी हैं, तो उनको रिस्टोर करके ऐसे बनाया जाए तो कितने में बनाया जाए? अगर रिस्टोर नहीं कराया जाए ऐसी जनवन ऐसी पार्ट में आपको हमें विली चाहिए। 2006 मॉडल गाड़ी है, ठीक है, 2006 मॉडल में। इसमें DI टर्बो जो बोलेरो में इंजन आता है ना, ठीक है, 2500 सीसी वो इंजन डाल के पूरी तैयार हो रही है। अब ये तैयार होकर ना पेंट पूंट होगी और पूरी शोरूम बना के दी जाएगी। ये 3 लाख रुपए की गाड़ी है इस टाइम, क्योंकि ये सेकेंड हैंड है। यदि नए सिरे से बनवाओगे तो 4.5 लाख रुपए की गाड़ी बनती है, उसमें अलाई व्हील, नए टायर, पूरी नए सिरे से नई बॉडी बनाई जाए। हुकम जी ने 3 लाख बोला हमारे लिए, थोड़ा हमारे कस्टमर आएगा तो उस टाइम मौके पे जो भी मैं डिस्काउंट होगा मैं उसको करूँगा, तो हमारा नाम लेके कंफर्म। तो फ्रेंड्स कुछ इतना ही था। तो अभी आपको उधर इशारा कर रहे थे हुकम जी, विली वो हमने दिखा दी हुई है हुकम जी। तो अब देखते हैं कि कस्टमर्स को कैसी लगती है। अच्छी लगेगी, बाकी और भी गाड़ियाँ हैं मेरे पास। 65 मॉडल भी था पीछे, 65 मॉडल जीप भी है वो पीछे जो खड़ी है वो 65 मॉडल। अच्छा वो जो दो खड़ी है लेफ्ट हैंड है, हाँ। वो 65 मॉडल, वो 65 मॉडल है, बट ओल्ड इज गोल्ड, उसको रिस्टोर कर दी। अच्छा शोरूम बना, शोरूम वैसी बना नहीं बना। फ्रेंड्स कुछ ये था आज का स्टॉक हुकम जी के पास। चलते हैं अपने घर और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अगर अभी आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।